मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई, लोग मारे जा रहे हैं, और अगर आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, ये उनको शोभा नहीं देता। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए। मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं की। दोस्तों, मणिपुर के अंदर जो अभी पिछले कुछ दिनों से चल रहा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई नॉर्मल बात नहीं है, और मणिपुर के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल भी बोलना नहीं चाहते हैं, ना ही संसद के अंदर और ना ही वैसे मीडिया पर आकर के। लेकिन एक शख्स है जो कि मणिपुर के लिए हमेशा आवाज उठाता आया है, और उस शख्स की वजह से ही मणिपुर को बहुत सारी मीडिया कवरेज मिली थी। हो सकता है आप समझ चुके हो मैं किसकी बात करने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप नहीं समझे हैं तो मैं आपको बता दूं, उनका नाम है राहुल गांधी, जो कि मणिपुर के ऐसे हालातों में भी मणिपुर में गए, लोगों से मिले, और वहां पर जाकर के जो उन्होंने बताया, जो लोगों का एक्सपीरियंस उनके साथ रहा, वो जो बताया उन्होंने, जो लोगों का दुख उन्होंने वहां पर जाकर के एक्सपीरियंस किया, जो बताया, वो आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने के लिए जा रहा हूं। आगे बात करने से पहले मैं आपको ये वीडियो दिखा देना चाहता हूं, पहले आप इस वीडियो को देखिए। मणिपुर में महीनों से आग लगी हुई है, लोग मारे जा रहे हैं, और अगर आपने देखा होगा तो प्रधानमंत्री हंस हंस के बोल रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, जोक्स क्रैक कर रहे थे, ये उनको शोभा नहीं देता है। कुछ ही दिन पहले मैं मणिपुर गया, हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, आज तक नहीं गए। मैंने महिलाओं से बात की, बच्चों से बात की, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज तक नहीं किया। मगर मैं आपको दो उदाहरण देना चाहता हूँ। एक महिला मुझे कहती है, मैंने कहा क्या हुआ तुम्हारे साथ, कहती है मेरा छोटा सा बेटा, एक ही बच्चा था मेरा, मेरे सामने, मेरे आंखों के सामने उसको गोली मारी है। मैं पूरी रात उसकी लाश के साथ लेटी रही, मुझे डर लगा, मैंने अपना घर छोड़ दिया, जो भी मेरे पास था वो मैंने छोड़ दिया। मैंने उनसे पूछा कुछ तो लाई होगी, कहती है नहीं, और फिर इधर उधर ढूंढती है और एक फोटो निकालती है और मुझे कहती है यही मेरे पास अब बची है। एक और उदाहरण दूसरे कैंप में, मैं एक महिला मेरे सामने आती है, मैं उससे पूछता हूँ क्या हुआ तुम्हारे साथ। जैसे ही मैंने उससे सवाल पूछा तुम्हारे साथ क्या हुआ, वैसे ही एक सेकंड में वो कांपने लगी, उसने अपने दिमाग में वो दृश्य देखा और वो बेहोश हो गई, मेरे सामने कांपती हुई बेहोश हो गई। इन्होंने मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है। That is why we wanted Manipur to be on the agenda in Parliament. And what did the Prime Minister do? He ridiculed the state. He ridiculed the women of the state. And the Prime Minister should speak not as a petty politician, as the leader of a political party, but the Prime Minister should speak with the weight of the Indian people behind him. And it's tragic to watch Mr. Narendra Modi. It's sad. He is our representative. He's my representative. He's all our representative. There's a complete misunderstanding in the mind of Narendra Modi ji about what the Prime Minister of India is. अभी आपने दोस्तों इस वीडियो को देख लिया। ये वीडियो खुद राहुल गांधी जी के ट्विटर से ही ट्वीट किया गया है, मतलब वहां से डाला गया है। और मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इस वीडियो को देखा, सचमुच में मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने सीरियस टॉपिक पे भी संसद के अंदर हंस रहे हैं, वहां पर मजाक उड़ा रहे हैं, वहां पर किसी किसी मुद्दे को लेकर के ठट्ठा किया जा रहा है, लेकिन वो इस बात को भूल चुके हैं कि मणिपुर के अंदर हालात कैसे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने धमकी दिया कि अगर सरकार कुछ नहीं करेगी तो हम करेंगे, उसके बाद जाकर के वो जो वीडियो वायरल हुआ था उसके कुछ दोषियों को पकड़ा गया। और आपने अभी इस वीडियो के अंदर भी देखा होगा कि किस तरीके से राहुल गांधी जी जब बताते हैं कि वो लोगों से पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्या हुआ है, कैसे हुआ है, उनके साथ क्या बीती है, तो लोग कांपने लग गए थे, बेहोश होने लग गए थे, मतलब वो इतना ज़्यादा सहमे हुए थे। वहाँ पर एक माँ थी जिसने अपने इकलौते बेटे को खो दिया था, और उसकी सिर्फ और सिर्फ उसके पास एक तस्वीर बची थी। मतलब इतनी ज़्यादा बर्बादी के बावजूद संसद में हमारे देश के प्रधानमंत्री हंस रहे थे, बजाय इसके कि मणिपुर के ऊपर वो कुछ सीरियस बातों को बोले, टिप्पणियों को करें, और मणिपुर के अंदर शांति बहाली के लिए कोई दो चार बातें अपने मुंह से बोलें। लेकिन सचमुच में दोस्तों, इन सब बातों के बावजूद भी मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी जी इस मामले में बहुत अच्छे निकले कि उन्होंने लोगों के दर्द को समझा, और मणिपुर के अंदर जब इतने हालात खराब थे, वहां पर जाना मुश्किल था, तब भी वो कैसे ना कैसे मणिपुर के अंदर गए और वहां पर जाकर के लोगों के हालातों को समझा,
और उसके बाद आकर के मीडिया में अपनी आवाज को उठाया कि मणिपुर के लिए सरकार कुछ बोले। मैं आपको बता दूं 300 से भी ज्यादा चर्चिस को मणिपुर के अंदर जलाया जा चुका है। मणिपुर के अंदर जो कुकी समुदाय के लोग हैं, जो क्रिश्चियनिटी से भी बिलोंग करते हैं, उन लोगों को सताया गया, बहुत बुरी तरीके से उनके घर जलाए गए। और एक ये जो वीडियो वायरल हुआ था मसी महिलाओं का, वो आपने देखा ही था, वो पूरे देश को शर्मसार कर देने वाला वीडियो था। और सिर्फ वही केस नहीं था दोस्तों, मैं आपको बता दूं ऐसे बहुत सारे केस वहां पर थे, लेकिन एक वीडियो वायरल हुआ तो उसके ऊपर तब जाकर के संज्ञान लिया गया। और सरकार, मैं आपको बता दूं, मणिपुर के अंदर भी बीजेपी की है और सेंट्रल में भी बीजेपी की है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री इन सब बातों के ऊपर जवाब देने की बजाय संसद में खड़े होकर के ठट्ठा कर रहे हैं। ये कहां तक आपको सही लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर राहुल गांधी जी की ये वीडियो आपको पसंद आई हो, राहुल गांधी जी की ये पहल आपको पसंद आई हो कि वो मणिपुर के लोगों के पास जा करके उनसे मिल करके आए, उनका दुख समझा और आ करके मीडिया में इस बात को उठाया, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नए किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, प्रभु आपको बहुत आशीष दे।